अब आपके मोबाइल फोन की जिम्मेदारी सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना है। अभी से 3 दिन पहले यानी कि 16 मई 2023 को संचार साथी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद से आप अपने चोरी हुए फोन को या गुम हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। जब आपका फोन वापस मिल जाए तब आप उसे वापस से अनब्लॉक करा सकते हैं। इस पोर्टल की मदद से आप ये भी देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सारे सिम कार्ड चल रहे हैं, उसे ऑनलाइन ही ब्लॉक करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संचार साथी नामक पोर्टल हमारे कैसे काम आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको संचार साथी .gov.in के वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थर्ड में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें दो तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। फर्स्ट में जो है वो है ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलेन मोबाइल, यानी कि चोरी हुई फोन की या गुम हुए फोन की यहाँ पर ब्लॉक करवाने के लिए। और दूसरा है नो योर मोबाइल कनेक्शन, यानी कि हमारे आधार कार्ड से यानी हमारे नाम से कितना सिम कार्ड चल रहा है। तो हम लोग इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर पहले जा करके देख लेते हैं, ब्लॉक योर लॉस्ट। यहाँ पर हमें तीन तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला जो है ब्लॉक स्टोलेन और दूसरा जो है अनब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना चोरी हुए मोबाइल को कैसे ब्लॉक कराना है उसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा जिसे आपको बढ़िया से भर लेना है। फर्स्ट में आप देखेंगे मोबाइल नंबर डालना है, तो आपको आपके पास जो अवेलेबल सिम कार्ड है उसका नंबर डालना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि जो मोबाइल फोन आपका खो गया है उसका नंबर डालना है। अब उसके पास आपके पास कोई और नंबर है यानी कि दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। IMEI नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। IMEI नंबर आपको मोबाइल का जो डब्बा रहता है उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल कौन सा कंपनी का है आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल का मॉडल क्या है वो आप यहाँ पर मैनुअल टाइप कर लेंगे। मोबाइल का बिल आपको यहां पर अपलोड कर लेना। अपलोड करने के लिए आप इस चूज फाइल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मोबाइल फोन की जो बिल है उसकी आप फोटो क्लिक करके यहां पर अपलोड कर देंगे। देन लॉस्ट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आ जाएंगे और यहां पर आप जिस भी शहर में मोबाइल भुला है उस शहर का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट नंबर मांगा जा रहा है, तो जहाँ भी आपका मोबाइल फोन चोरी हुआ है या खो गया है उसकी लोकल थाने में आपको शिकायत दर्ज करना है और जो भी आपको शिकायत नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे डाल लेना है। आप चाहे तो ऑनलाइन FIR करके भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद लॉस्ट डेट आपको डाल लेना है, जिस दिन चोरी या खोया हुआ था। उसके बाद सेलेक्ट पुलिस स्टेशन, तो आपको यहाँ पर जैसे ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। देन अपलोड पुलिस कंप्लेंट आएगा, यानी कि जो भी आप FIR करेंगे उस कॉपी की फोटो खींच करके आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। एक से ज्यादा है आपका कंप्लेंट तो यहाँ पर से आप एड मोर कंप्लेंट करके एड कर सकते हैं। उनके बाद जिनका मोबाइल था वो अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, एड्रेस आप यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद आपको एक ID अपलोड कर लेना है, जिसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप आधार कार्ड पर सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड का नंबर है यानी कि आइडेंटिटी नंबर, आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल लेना है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डाल लेना है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। देन गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, देन सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही आपके मोबाइल फोन पर और स्क्रीन पर एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाएगा, जिसे आपको संभाल करके रख लेना है। स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आप यहां पर देखेंगे CEIR सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आप नीचे देखेंगे चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जो भी आपको रिक्वेस्ट आईडी या ट्रैकिंग नंबर मिली थी आप यहां पर डाल देंगे। उसके बाद इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देखेंगे तो आपकी जो स्टेटस है कहाँ पर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब आपका मोबाइल वापस से मिल जाए तब आपको उसे अनब्लॉक कराना होगा। अनब्लॉक कराने के लिए वापस से जाएंगे मेन्यू पर, यहाँ पर आप देखेंगे CEIR सर्विसेज, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अनब्लॉक फोन मोबाइल। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी डाल लेना है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर रीजन फॉर अनब्लॉकिंग में आपकी जो भी रीजन होगा आप यहाँ पर देख लेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल लेंगे, मोबाइल नंबर फिर से देंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल पर OTP आ जाएगा। देन आपको फाइनली सबमिट कर देना है।
यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा जो सर्विस है नो योर मोबाइल कनेक्शन, यानी कि आपके नाम से कितना सिम कार्ड चल रहा है वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं इस पोर्टल से। देखने के लिए इस पर आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डाल लेना है, देन वैलिडेट कैप्चा पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, देन इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके नाम से जितना भी सिम कार्ड चल रहा होगा वो पूरा लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देखेंगे जो भी आपका नंबर नहीं रहेगा आपको उसके चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, नोट माई नंबर पर क्लिक कर देना है, देन रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन वो नंबर ब्लॉक होने के प्रोसेस में चला जाएगा, आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। आपको अपना स्टेटस ट्रैक करने के लिए इस रिक्वेस्ट नंबर वाले ऑप्शन पर अपना ट्रैकिंग नंबर डाल देना है, देन इस ट्रैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेना है। कुछ दिन बाद आप वापस से आकर के देखेंगे तो आपका जो नंबर है वो ब्लॉक हो जाएगा। मेन पेज पर आकर के देखेंगे कितना मोबाइल ब्लॉक कराया गया है उसके नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, कितना मोबाइल के बारे में पता लगाया गया है उसके नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, कितना हल हो गया है, कितना प्राप्त हुआ है, सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पोर्टल पर फिलहाल अभी दो ही काम हो रहे हैं, इन फ्यूचर और भी काम जोड़ा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रोज इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।